तो आइए अब हम लोग सुमित के गांव जिसका नाम है खालेपुरवा। खालेपुरवा, ये एक सैर करते हैं और देखते हैं सुमित के चैलेंजेस और ये ग्रामीण क्षेत्र को और कैसे यहाँ पे सुमित ने पढ़ाई की। तो चलते हैं सुमित, यस। गांव दिखाइए मुझे और उसी पे बातचीत करते चलते हैं। तो पहली बात तो मैं ये जानना चाहूंगा, इतनी दूर से तुम जो है जाते कैसे स्कूल? सर, विंटर्स में हम लोग तो साइकिल में जाते थे। हम थे, सक्षम था और अंशुल थे, हम तीनों सर साथ में जाते थे। सर इतना वो करने उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा, फ्रेंड्स ने यस सर, साथ में डेफिनेट। जाते थे। कभी कभी सर जैसे हमारे हेल्थ खराब होते थे तो हम लोग साथ में, जैसे हम ना साइकिल ले जा पाए तो वो बैठा लेता था, तो कभी कभी उसको हम बैठा लेते थे, सही चलता रहता था। और सर समर में जैसे हम लोग यहाँ से जाते थे साइकिल से, बाईपास पे यादव चौराहे साइकिल खड़ी कर देते थे, वहां से स्कूल तक हम लोग टैक्सी से जाते थे। तो कभी किसी के पास जैसे सब पैसे नहीं है तो उन्होंने मैनेज कर दिया, कभी हमने मैनेज कर दिया, सही चलता था। अच्छा, यहाँ पूरा जो है खेत है पूरा ये? ओके, तो यहीं खेती बाड़ी और सब कुछ यस सर। लाइक अच्छा है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही रॉ फीलिंग है। तो बरसात में कैसे सब बरसात में बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि ये रोड इतनी खराब हो जाती थी कि गाड़ियां भी बहुत जल्दी स्लिप होती थी और साइकिल टायर तो ऐसे भी पतले रहते हैं, बहुत जल्दी स्लिप होते थे। तो बहुत जैसे हम लोग की ड्रेस भी सर निकालने में बहुत खराब हो जाती थी। कुछ आपके पापा भी बता रहे थे बरसात का क्या खास बरसात में हर बच्चे को बहुत ज्यादा ही दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है। तो बारिश हो जाती है तो कोई पैदल जा रहा तो गिर गया तो उसकी ड्रेस बेकार हो गई, वो बेचारा फिर लौट आया, फिर लौट कर आया, फिर बदल के कपड़े फिर गया। बस यही ज्यादा बारिश में ज्यादा ही दिक्कतें तो सामना उठाना पड़ता है, क्योंकि एक छोटा सा गांव है जो ग्रामीण क्षेत्र में है। आज इसके पहले इसको, इस गांव को कोई नहीं जानता था कि खालेपुरवा कहाँ बसा है, लेकिन जब से थोड़ा राजनीतिक पार्टियों का वो हुआ तब से इस गांव को पहचान बढ़ने लगी। धीरे धीरे हर गांव ये गांव पहचानने लगे कि खालेपुरवा कोई गांव है। अब इस वीडियो के बाद से सब सुमित के गांव के नाम से जाना जाएगा। जरूर। तो खैर, ये सब चीजें हैं मैं देख रहा हूँ। तो तुम क्या पापा ने कभी कहा हो कि खेती में हेल्प करो? यस सर, होता है अभी आजकल ही चल रहा है, जितने दिन छुट्टी आ रही तो जाना पड़ता था, खेती है और प्लस जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं काऊ है बकरे है, उनमें लगना पड़ता था कभी कभी। शाम को जब सर जैसे सर कुछ नहीं, घर वालों ने बहुत तो किया तो शाम को सर पेपर्स में सर वो स्टडी चल रही है, कुछ भी सर एक काम रहता था 15-20 मिनट का कि जाके जो वैसे उनका चारा कटवाना है, चारा बस कटवाना है, बस यही काम, बाकी डिस्टरबेंस में ही नहीं रहती। सर जिस तो घर का बहुत और सपोर्ट सर ज्वाइंट फैमिली होती तो डिस्टरबेंस चलती है। जी तो ये गांव है, कुछ बताओगे मुझे इसके बारे में? सर ये हमारा गांव है सर, ज्यादा बड़ा तो नहीं है बट सर पहले तो सर जितना बड़ा नहीं हुआ उतने बड़े यहाँ पे कांड हुए हैं। सर पहले कांड अच्छा। हुए, अब तो सर बहुत शांति है, लोग बहुत अच्छे से मिलके रहते थे। तो तुम अपना शेड्यूल बताओ कैसे रहता था पढ़ाई का, जैसे तुम चलते थे? सर शेड्यूल ऐसा रहता था सर, शेड्यूल बनाया पर कभी सर फॉलो फॉलो नहीं नहीं हो, किया। सो फॉलो हो ही नहीं पाता था, खुद की कोशिश कर लो शेड्यूल फॉलो नहीं होता था। तो ये रहता थे कि हाँ इतनी देर ये स्टडी करनी है, मैक्सिमम सर मैथ साइंस और स्पेशली सर इंग्लिश को देना है, अपने प्रोनाउंसिएशन को देना है, ग्रामर को देना है, ये रहता था। और स्पेशली सर मैथ्स को टाइम देना था, प्रैक्टिस के लिए इतना देना है, और सर कुछ लॉजिक लॉजिक की वो चीजें थी जैसे साइंस को देना पड़ता था, और सर इतना याद करने में देना है, इतना समझने में देना है। सर कभी कभी ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस करते थे और वो रात में रहती थी। वेरी गुड। तो इसके अलावा जैसे तुमने प्रोनाउंसिएशन की बात की, तो SPDP के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि तुमने SPDP भी किया, तो वो कैसे तुम्हारे को रोल प्ले किया? सर हमारे स्कूल जो उनसे बंद पड़ता है सर, वो हम लोग के लिए वो हमारे स्कूल करता है सर, उसी में से एक प्रोग्राम है SPDP। सर हम लोगों को सर पहले तो हमें माइक से उठाना आता तो बोले नहीं थे, तो फिर मैम ने दे सब भरोसा करके एक
उस पर बोलने दिया और सर बड़े सर ने भी बहुत वो कहा कि आज नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे, आज बोलोगे तो आगे जाके सर वहीं से सर इंग्लिश से इंग्लिश वो प्रोनाउंसिएशन था तो सर वहाँ से भी एक वहाँ से भी बहुत वो मिली सर SPDP प्रोग्राम सर यहाँ के बच्चों सर बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है सर। कभी भी हम लोगों ने माइक पकड़ा नहीं था, बहुत पकड़े थे तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं पकड़े थे। बट SPDP में एक अंदर से स्टेज पे जब खड़े हुए थे एक अंदर से पहले तो डर लगा, फिर एक अंदर से ताकत आई कि हाँ बोल सकते हैं कुछ कर सकते हैं। खैर यहाँ का माहौल भी इतना अच्छा है पर क्योंकि ये शहर से थोड़ा बाहर है तो कुछ कुछ सुविधाएं जैसे तुम्हें इंटरनेट और इन सब का, इसका क्या हाल रहता है यहाँ पे? सर इशू नेट का रहता है तो कभी कभी सर जैसे वाईफाई वाईफाई सर यहाँ पे लगी है तो आज थोड़ा दूर जाना पड़ता था वाईफाई लेने के लिए सर उधर लगे, जैसे स्कूल इनका है सुविधाएं दस दस बढ़ गई है। अब ऐसे शहर से दूर तो है लेकिन अब कहा जाए तो शहर के करीब करीब भी है, लेकिन करीब होने के बाद विकास से सर नेटवर्क प्रॉब्लम रहती थी तो कभी बाहर निकल के जाना पड़ता था, जैसे जैसे सर वहाँ पे वो जब से टावर लगा है तब से तो आराम है, नहीं तो घर से बाहर निकलना पड़ता था पढ़ने के लिए कुछ बहुत। इसी का तो हम लोग का डॉक्टर LP Lal का हमेशा यही सपना रहा है कि एक वो एजुकेशन जो बहुत ही महंगी फीस में लोग लेते हैं वो ऐसे घरों तक पहुँचाया जाए। तुम उसका वो उसके बारे में तुम कुछ कहना चाहोगे क्योंकि अब तुम 11th के लिए स्कूल ढूंढ रहे हो, जिन्हें देख रहे हो स्कूल के बारे में जान रहे हो? सर हम चाहे जिस स्कूल में चले जाएं ऐसा स्कूल है सर, हमसे ज़्यादा किसी ने स्कूल नहीं चेंज किए होंगे। अच्छा। यस सर लगभग 3 से 4 स्कूल हम चेंज कर चुके हैं बट जो आके LP Lal में मिला कहीं नहीं मिला। बहुत अच्छे सर, स्पेशली बड़े सर मैम परन मैम सर और कुसुम मैम सब लोग बहुत सपोर्ट किया है और बड़ी मैम भी। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी काफ़ी स्कूल्स होंगे? सर स्कूल तो बहुत हैं बट हमारे बाबा जो थे उनका ये मानना था कि तुम लोग यहाँ पढ़ोगे तो तुम लोग यहाँ की लैंग्वेज नहीं सीख पाओगे, और उनको ये पता था कि पूरे वर्ल्ड में हिंदी तो हमारी मातृभाषा हाई है बट एक कॉमन लैंग्वेज जो पूरे वर्ल्ड में वो करी जा रही है तो वो इंग्लिश है, तो उनका यह मानना था कि यहाँ पे तुम अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ पाओगे और रही बात इंग्लिश की तो इंग्लिश तो यहाँ सीख ही नहीं पाओगे। तो सर वो भी यहाँ नहीं पढ़े थे, डालीगंज से पढ़े थे, वो भी अच्छे खासे स्कूल में पढ़े थे, BVD से पढ़े थे, अमादीन सिंह यूनिवर्सिटी के पास सर, सर उस टाइम तो वो था उनके पास स्कॉलरशिप से पढ़े थे वो भी, और उनका ये मानना थी कि अगर तुम यहाँ पढ़ पा रहे हो तो पढ़ तो लोगे बट यहाँ की लैंग्वेज नहीं छोड़ पाओगे। तो अब तुम जैसे इन सबसे चलते हैं थोड़ा इंटरव्यू के एंड पे कि तुम कुछ सीनियर्स के बारे में कह रहे थे क्योंकि लास्ट ईयर तुम्हारे सीनियर्स ने भी 90% का मार्क ब्रीच किया। yes, और उसी को देख के तुम लोग ने भी एक बहुत अच्छा मार्क ब्रीच किया, होता है ना कि एक बार एक मेडल ले आया तो फिर 10 सेकंड का वो ब्रीच कर दिया था वो, तो तुम क्या बताना चाहते हो उनके बारे में जिनका नाम ले रहे थे तुम? सर स्पेशली आई हैव अ लॉट ऑफ थैंक्स टू अनुष्का दी एंड आयुष भैया सर, दोनों ने बहुत गाइड किया और भैया का 92% लाना ने एक आग जगा दी थी कि कुछ तो जब भैया कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं, तो बट उन्होंने गाइडेंस भी बहुत अच्छी दी, स्पेशली अनुष्का दी ने तो सर बहुत अच्छी गाइडेंस दी, आयुष भैया ने भी बहुत गाइड किया और वो भी एक ऐसे ही बैकग्राउंड से आए हैं और उससे थोड़ा उसमें ही है बट फिर भी वो भी है। आगे के तुम्हारे क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या करना चाहते हो लाइफ में? सर अभी तो सर JEE की तैयारी करना चाहते हैं और उसके बाद सर IIT क्रैक करके सर दो ही ब्रांचेस में जाने का वो है और सर दूसरी बॉम्बे ही अच्छी लग रही है। अच्छा सही है, IIT बॉम्बे सही है तो तुम डेफिनेटली जाओगे और डॉक्टर LP Lal मेमोरियल कॉलेज आप तुम्हें और तुम्हारे फैमिली को पूरी मतलब सपोर्ट भी करता है और बहुत खुश हैं हम लोग कि तुमने इतना अच्छा नंबर लाए। कंग्रेचुलेशंस।